हेलो दोस्तों, आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल खुशी कामना के कामना करता हूँ। आज दोस्तों धनतेरस का पुण्य पर्व है और दीपावली का शुभारंभ है। धनतेरस दोस्तों दीपावली की छोटी दीपावली के रूप में इसको मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ति कामना के साथ दोस्तों आज धनतेरस का पुण्य पर्व है और मैं अभी मुंशी पुलिया की चौराहे पर ठीक मंदिर के पास खड़ा हूँ दोस्तों। यहाँ मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है, पूजा अर्चना की और यहाँ पर भगवान राम और राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद और पूरे श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रामचंद्र जी का पूजन हो रहा है। और धनतेरस की दोस्तों धनतेरस के अवसर पर मैं सबके मंगल भक्ति की कामना करता हूँ। आनंद लक्ष्मी में सबका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज जो है धनतेरस का पुण्य पर्व है, इस अवसर पर मैं पूरे सभी जो आज के पुण्य चीज़ें हैं दोस्तों उनको दिखाता हूँ। तो ये जो है धनतेरस का इतनी बड़ी भीड़ पूरे मुंसिपलिया में लगी है, यहाँ पर फूल बिक रहे हैं दोस्तों और लोगों का आना जाना हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और यह दोस्तों धनतेरस जो है छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यह प्रकाश दीपो दीपदान दोस्तों आज किया जाता है और घर के बाहर जो है दीप जला करके यमराज के नाम से दीपक जलाने का हमारे हमारे जो शास्त्रों में है, आध्यात्म है, इस प्रकार का प्रकरण है दोस्तों। ये बाज़ार की चहल पहल है, बाज़ार में रौनक है, तमाम प्रकार के यहाँ पर देखिए तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं और लोग आनंद उठा रहे हैं और बाज़ार में पूरी रौनक है। देखिए ये गणेश जी का देखिए तमाम प्रकार की मूर्तियाँ हैं, देखिए पूरी झलकर में आपको दिखा रहा हूँ। गणेश जी की मूर्ति है, शिव पार्वती मूर्ति है और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा झलकिया, ये बर्तन देखिए पूरे नए नए टाइप के स्टील के बर्तनों का, जो कि आज दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में बर्तनों को खरीदना, झाड़ू खरीदना और नए नए बर्तनों को खरीदना ये शुभ माना गया है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है और अधिक और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग गए हैं। देखिए ये तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर तमाम प्रकार के जो कलावा है देखिए और रोली है, कलावा है और पूजा की सब सामग्रियाँ हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें देखिए। आप ये जनेऊ यहाँ पर हैं और हल्दी, सूखी हल्दी, कच्ची हल्दी, धनिया वगैरह वगैरह सब यहाँ पर बिक रहा है और तमाम प्रकार के बच्चों के पटाखे और छोटे मोटे जो पटाखे हैं उनका जो फायदा हो गया है। देखिए पार्टियाँ और अनेक प्रकार के वस्त्र बिक रहे हैं और बर्तनों को खरीदना दोस्तों आज शुभ माना जाता है, झाड़ू को खरीदना आज शुभ माना जाता है और हल्दी, कच्ची हल्दी को घर में ले जाने में लक्ष्मी माता का जो धन्वंतरी देवी होती है उनकी पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवी दोस्तों और ये जो है प्रकाश की प्रकाश का अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का हमारे जीवन में संचार होता है। देखिए भगवान के लिए जो है अनेक प्रकार के इस प्रकार के वस्त्र जो है यहाँ पर आलिंगन जो है श्रृंगार है, श्रृंगार की वस्तुएँ आप मंदिर में ले जाने के लिए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार की वस्तुएँ हैं। माला देखिए दोस्तों तरह तरह की मालाएँ जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर में सब लोग अपने मंदिर में इस माला को, इन मालाओं को ले जाएंगे और भगवान की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं पूरा बाज़ार का दृश्य जो है आपको दिखा रहा हूँ। बाज़ार में इतनी रौनक है और दीपावली का शुभ अवसर आज से दीपावली का प्रारंभ है और दोस्तों अनेक प्रकार के दीपक देखिए यहाँ पर तरह तरह के रंगीन दीपक उगल उगल यहाँ पर देखिए तरह तरह के दीप जो जलाए जाते हैं। उन दीपकों का खासतौर से दोस्तों 13 दिए जलाने का प्राविधान होता है। आज जो है धन्वंतरी देवी को 13 दिए जलाए जाते हैं और बाहर यमराज के
यम के रूप में जो है ये दीपों का दीपदान किया जाता है, जिससे यमराज को भी मतलब यमराज के नाम से ये जलाने का प्रावधान है। बाजार में दोस्तों इस प्रकार की ये रंगीन चीज़ें देखिए, ये माता के जो है थोड़ा थोड़ा के ये बने हुए हैं, यानी ये माँ लक्ष्मी का ओम लिखा हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है, और तमाम प्रकार के इस प्रकार के चित्र आलंगन अपने मंदिरों में लोग सजाएंगे, पूजा स्थल पर सजाएंगे। और देखिए ये अनेक प्रकार के आलंगन बने हैं माँ लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी की कृपा जिन पर बनती है, धन धान्य से पूर्ण होता है। माँ लक्ष्मी यानी धन समृद्धि, धन दौलत और धन धान्य की प्रतीक है। तो ये गणेश प्रतिमाएँ यहाँ पर लगी हुई हैं दोस्तों, तरह तरह की जो है गणेश प्रतिमा लगी है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा जो है आज इस बाज़ार में दिख दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ही चहल पहल मार्केट में है और बड़ा ही आनंद हो रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार की तरह तरह की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, पुष्प फूल जो है दोस्तों तरह तरह के फूल हैं, गेंदा है, गुलाब है, और गेंदा पीला गेंदा है, लाल गेंदा है, और अनेक प्रकार के जो फूला है, ये दोस्तों गुलदस्ता जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है इस प्रकार के दोस्तों। आज के देखिए ये देखो, देखिए दोस्तों तरह तरह के दीपक हैं, ये 20 रुपये के 25 दीपक के मिल रहे हैं, वैसे दिए मिल रहे हैं, तरह तरह के दीपक हैं जो लाल रंग में हैं और सादे दीपक हैं, इसमें तेल डाल करके सरसों का तेल और तिल का तेल बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है, उसी तेल का उपयोग करके हम दीपकों को देखिए ये दिए जो है तरह तरह के दिए हैं, मंदिर में सजाने वाले मिट्टी के दिए बने हुए हैं जो हमारा कलाकारी है, और दीपक के ये कलाकारी बनी हुई है, देखिए तरह तरह के कलाकारी से ये बना गया है, ये हमारा घरेलू उद्योग के माध्यम से बनाए जाते हैं ये कलाकार शिल्पकार, इसको बहुत ही अच्छी प्रकार बनाते हैं और ये बना करके जो है मार्केट में बड़ा ही ये तरह तरह के दिए जो है दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए तरह तरह के दीपक। और ये आज छोटी दिवाली के रूप में धनवंतरी देवी आपकी पूजा अर्चना होती है। और ये देखिए दोस्तों दिए ये खिले हैं, ये खील हैं, ये बतासे हैं, खील बतासे, और ये है आपका पूरा तमाम टाइप के जो हम दीपावली में यूज करते हैं, गट्टी है, रेवड़ी है, और बताशे हैं, और तरह तरह की चीज़ें जो है खिलौने हैं, ये तरह तरह के खिलौने यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए ये हर समय हमारा हम वैसे भी डेली यूज में भी इसको यूज़ करते हैं दोस्तों, देखिए तरह तरह की मूर्तियाँ और तरह तरह के यानी ये धान के बने हुए दोस्तों ये चूड़ा जो है धान का बना रखा है, और ये चूड़े हैं, गिट्टी है, ब्यूड़ी है, खिलौने हैं, पतासे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दोस्तों बाजार में रौनक आई हुई है, पूरे लोगों की यहाँ पर भीड़ है। देखिए मुंशीपुला का ये मेट्रो आ रही है, देखिए ये मेट्रो का मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेट्रो आ रही है। तो इस प्रकार से देखिए ये और चल रहे हैं, महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, झाड़ू आज फेमस माना जाता है, इसलिए झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देवी को जो है ये देखिए ये तरह तरह के पटाखे हैं और फुलझड़ियाँ हैं, पटाखे हैं, बच्चों के खिलौने हैं, और तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखो बिक रही हैं, लोग अपना आनंद ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे देखिए ये नए जो हैं दीपक हैं, ये देखिए ये दीपक बहुत बढ़िया ये जलाया, इसमें बहुत ही शोभायमान है, देखो कितनी अच्छी कलाकारी है। तो इस प्रकार के दीपक मार्केट में आए हैं, तरह तरह की चीज़ें दोस्तों, ये दीपक जो है अनेक रंगों में, ये देखिए इस कलर में इस पर बनाया गया है, और ये इस कलर में बनाया गया है, तरह तरह के ये गुलाबी कलर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर कलर में ये रंगीन
बनाए गए हैं और ये चित्रकला देखिए बहुत ही ग्रामीण उद्योग दोस्तों इस समय स्टार्टअप की वजह से ग्रामीण उद्योग में बहुत ही प्रतिभाशाली कार्य हुए हैं और अद्भुत रूप अद्भुत प्रकार के दिए बताशे दिए और तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं दोस्तों। शिले हैं दोस्तों, ये शिले जो है ये जो है माम घर के अंदर इसको भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है और तमाम प्रकार की चीज़ें दोस्तों देखो रेवड़ी है, गट्टी है और चूड़ा है और क्या ये लइया देखिए 40 का आधा किलो है, तो ऐसे ही 40 का आधा किलो यानी 100 रुपया किलो के लगभग ये रहता है और ये एक किलो में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। देखिए ये बच्चों के ये माला देखिए बहुत ही अच्छी माला यहाँ पर है, मैं अपने YouTube के माध्यम से सबको शेयर कराऊँ दोस्तों अधिक से। ये रुई देखिए ये बिल्कुल प्योर रुई है, देखिए बहुत बढ़िया ये रुई के बातें बनाए जाते हैं, बत्तियाँ बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, ये शुद्ध कपास का रुई है, शुद्ध रुई है दोस्तों, ये बहुत ही पवित्र होता है, इसका दिए पक जलाने से गुणात्मक फायदे होते हैं। और ये रंगोली का आइटम है दोस्तों, इससे हमें घर में रंगोली बनाई जाती है, पीतल रंगोली है, ये है आपका ये अलग रंगोली है, तरह तरह के रंगोली जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। ये मुंशीपुलिया में दोस्तों अधिक से अधिक लोग आकर के खरीदें और दीपावली का आनंद है। ये गुलाबी कलर का रंगोली है देखो, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बना रखा है, ये देखिए ये काहे का बनता है, ये मार्बल है, मार्बल का बनता है, देखिए मार्बल का बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। अधिक से अधिक लोग आकर के मुंशीपुलिया में आके रंगोली को खरीदें और अपने घर में दीपावली का आनंद मनाएं। और माँ जब दीपावली का दिन दोस्तों आज धनवंतरी यानी धनतेरस का पुण्य पर्व है, देखिए ये पूरा मैं मार्केट की चीज़ें आज खासतौर से मार्केट में बड़ी धूमधाम है दोस्तों, रौनक है, देखिए ये तरह तरह की रंगीन चीज़ें जो घर में सजाई जाती हैं वो लगी हुई हैं, देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगा हुआ है। ये देखिए तरह तरह के आप घर में अपना सजा सकते हैं, लगा सकते हैं, तरह तरह के आइटम है, देखिए ये तमाम प्रकार की है, देखिए ये छलनी है, देखिए ये माँ के पैर के आकार के इसमें बने हुए हैं दोस्तों, इसे हम देखिए तरह तरह के चीज़ें हैं, पुष्प माला है और माँ को चढ़ाने वाली चुनरियाँ हैं, तमाम तरह की जो है माँ लक्ष्मी की आराधना में जो है तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई है, देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, और ये मालाएं देखिए कितनी अच्छी सुंदर मालाएं यहाँ पर हैं, अनेक प्रकार की मालाएं देखिए यहाँ पर घर में लगाई जाती हैं, और ये देखिए ये मालाएं हैं, ये माला देखिए कितनी अच्छी मालाएं यहाँ पर लगी हुई है, ये पूरा आनंद ले रहे हैं हर एक लोग, प्रत्येक आदमी खरीद करके आज शुभ माना जाता है दोस्तों, आज धनतेरस के अवसर पर अनेक चीज़ें लोग जो घर में घर के लिए शुभ होती हैं वास्तुकला के हिसाब से हमारे घर में जो शुभ होती चीज़ें होती हैं उनको उनकी खरीदारी की जाती है, और ख़ास तौर से आज माँ गणेश लक्ष्मी माता का पूजन होता है और उन्हीं उनकी मूर्ति खरीदना हर व्यक्ति हर जो भी होता हर हर जो पूजा करते हैं तो गणेश लक्ष्मी की पूजा का विधान माना गया है और हर आदमी इनको बाजार से ले जाता है और घर में पूजा करता है, पूजा करने का ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की सनातन धर्म के अनुसार दीपावली दोस्तों दीपों का अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने का पुण्य पर्व है, और भगवान रामचंद्र जी को जब अयोध्या मैं जो है 14 साल की वनवास के बाद जब भगवान राम जी अयोध्या में प्रवेश किए तो उन्हीं के आगमन के अवसर पर दीपावली को दीपावली के रूप में अयोध्या को पूर्ण रूप से सजाया गया था, और अनेक प्रकार से इसी प्रकार से दोस्तों जैसे बाजार ये सजी हुई है इसी प्रकार से अनेक प्रकार के शुभ अनेक दीपों को जलाया गया था, अनेक प्रकार से अयोध्या को अलंकारित किया गया था, शोभायमान किया गया था, उन्हीं भावों को लेकर के आज भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की याद में दीपावली का परम त्यौहार जो है यह शुभ त्यौहार, यह श्रद्धा का त्यौहार, यह खुशी का त्यौहार, यह प्रसन्नता का त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में बड़े ही आनंद और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है, और देखिए ये यहाँ पर तरह तरह के देखिए ये गुलदस्ते लगे हुए हैं, तरह तरह के भगवान ये शुभ
होते हैं। देखिए ये शुभ और पुष्पों की माला है और तमाम प्रकार के गुलदस्ते हैं और अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखिए, मालाएँ देखिए, तरह तरह की चीज़ें। दोस्तों YouTube आनंद देखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भव की कामना के साथ आज धनतेरस के अवसर पर मैं सबके मंगल भव की कामना करता हूँ और अधिक से अधिक लोग जो है दोस्तों मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं पूरे बाजार के बाजार में जो रौनक है और जो खिले बताशे और लैया चना और रेवड़ी बताशे और खिलौने इनका जो है इनका इनको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये पर्व आते हैं तभी ये चीज़ें दिखती हैं और इन्हीं पर्वों के अवसर पर लोग इसको उद्योग जो हमारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन उद्योगों में ये बनते हैं और हर आदमी इनका आनंद उठाता है, अपने घर में पूजा पाठ करता है और अनेक प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जन जी को याद किया जाता है। जब राम जन जी अयोध्या में प्रवेश किए थे 14 साल के कठिन तपस्या और वनवास के बाद जब वह अयोध्या में उनके आगमन की तैयारी की गई थी तो ये देखिए यहाँ पर ये झाड़ू खरीदना शुभ मानता है। ये सभी देवियाँ जो हैं अपना झाड़ू खरीद रही हैं, ये शुभ कार्य माना जाता है। ये पटाखे की दुकान है दोस्तों, इसमें पटाखा जो है वैसे कम बिक रहे हैं क्योंकि प्रदूषण को फैलाते हैं, इसीलिए प्रदूषण की वजह से पटाखे का यूज़ कम करना चाहिए दोस्तों, ये नुकसानदेह है और हमारा ईयर डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है, इसलिए ईयर वैक्यूम बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको पटाखे कम से कम खरीदना चाहिए और दिवाली का पर्व जो है और तरीके से आप मना सकते हैं, किसी और विधि से मनाए रख लीजिए। तरह तरह की मालाएं जो है कितनी बढ़िया लग रही। ये देखिए 120 रुपये का डबल है, ये जोड़ा है देखिए, ये माला जो है 120 रुपये का जोड़ा है। ये देखिए ये भी वही रेट में लगभग है, ये 120 रुपये का जोड़ा है दोस्तों। ये माला जो है देखिए, ये माला 120 रुपये का जोड़ा है। तो ये रंगोली का आइटम देखिए, ये नारंगी कलर है, ये दोस्तों गुलाबी है और पीला है और हरा है, नीला है, तो तमाम प्रकार की रंगोली दोस्तों ये यहाँ पर है। मैंने आपको पूरा दिखाया, ये पूरा बाजार की हलचल और लोगों में उत्साह है, उमंग है, खुशियाँ हैं, प्रसन्नता है और आज कल दोस्तों दीपावली होगी तो सब लोगों का अवकाश होगा, लोग उसी अवकाश के अवसर पर आज सभी चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो माँ लक्ष्मी में चुनरी चढ़ाई जाती है, अपने मंदिर को सजाया जाता है और मंदिरों में जाकर के लोग पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी से आराधना करते हैं। हमारे भारतवर्ष की परंपरा है छोटे कुटीर उद्योग और जो हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है दोस्तों। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संकल्प है कि छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हम छोटे खिलौने बेचें और छोटे छोटे खिलौनों का उद्योग करें, उससे हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होंगे। ये फुलझड़ी देखिए, ये फुलझड़ी जो है हमारे घरों में शुभ माना जाता है जलाते हुए, ये फुलझड़ियाँ जो है मुंशीपुलिया में जो है ये लगी हुई हैं पूरे दोस्तों। आप आकर के फुलझड़ी है और तरह तरह के पटाखे यहाँ पर फुलझड़ी है और अनारकली है और तमाम प्रकार के पटाखे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इनको आप खरीद सकते हैं, अधिक से अधिक लोग इसको खरीदें, अपना फ़ायदा उठाएं। आनंद देखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भव की कामना के साथ आज धनतेरस के पुण्य अवसर पर मैं सबके मंगल भव की कामना करता हूँ, अधिक से अधिक लोग दोस्तों। मैंने इस प्रकार बाज़ार की पूरी रौनक और बाज़ार में जो रौनक है उसका आनंद लुत्फ उठाने के लिए लखनऊ का मुंशीपुलिया इंदिरा नगर मुंशीपुलिया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दोस्तों बाज़ार में इतनी भीड़ भड़ाका है और पूरा मार्केट जो है पूरा देखिए अभी करीब 6-7 बजे का टाइम हो रहा है, पूरे मार्केट में चहल पहल है, काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ भड़ा के देखिए। तमाम टाइप की चीज़ें यहाँ पर पूजा से संबंधित माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना और धन्वंतरी देवी की आज पूजा होगी, उसी अवसर पर दोस्तों आज पूरे घरों में दीपक जलाए जाएंगे, पूजा पाठ की जाएगी, तरह तरह के रुई के ये देखिए बाती जो है दिया बाती जो कहते हैं दिया और ये बाती शुभ माना जाता है दोस्तों। 13 दिए आज जलाने का बहुत ही अच्छा प्राविधान है, हर घर में दिए जलने चाहिए
और हमारा भारतवर्ष दोस्तों पवित्रता का प्रतीक है, अनेकता में एकता का प्रतीक है। यही हमारी जो त्यौहार होते हैं, इस प्रकार के पर्व होते हैं, ये हमको यही सिखाते हैं कि हमको आपस में एक होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, एकता से रहना, भाईचारे का संदेश देता है दोस्तों। ये त्यौहार जो हैं हमको आपस में मिलने का, अपने दुख दर्द को बांटने का और खुशियों को प्रसन्नता का प्रतीक है। इसीलिए दोस्तों पूरी मार्केट में और हम इस पर्व को मनाते हैं। ये अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का द्योतक है। देखिए ये अपर ये दिया जलाया है, मोमबत्ती जो है देखो ये घरेलू मोमबत्ती है, देखिए घर में बनी हुई है, उद्योगों में बनी हुई मोमबत्ती है। स्टार्टअप जो इसमें लिखा है दोस्तों, पार्वती नाम इसमें लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार के यहाँ पर जन यानी पूजा संबंधी और जो भी ये पीपल के पेड़ के नीचे दोस्तों कितना अच्छा ये दिए और ये लगा रखे हैं। देखिए तरह तरह के दिए जो ये माँ लक्ष्मी का शुभ माना जाता है, इन चीज़ों को घर में रखना शुभ कार्य होता है और ये लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पूरा मार्केट सजा धजा हुआ है और मार्केट में चहल पहल है, रौनक है और दीपावली का शुभारंभ है। धन्वंतरी देवी की पूजा का शुभ दिन है। अनेक माताएं और बहनें भाई सभी लोग जो हैं अनेक प्रकार की वस्तुओं को खरीद रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये हमारे दीपावली पर्व का सबसे बड़ा रौनक है। ये हमारे वहाँ अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का दोस्तों प्रकाश हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, आनंदमय बनाता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार से हमारी हमको प्रसन्न रखता है, खुशियों का त्यौहार है ये दोस्तों। हमारी ये दीपावली जो है ये प्रकाश पुंज के रूप में हमारे कहने का मतलब है, जिस प्रकार हम बाहर से इस प्रकार का वातावरण देखते हैं, इसी प्रकार हमको अपने अंदर से भी अपने अपने मन मंदिर को प्रकाशित करना चाहिए, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ अपना मन ले जाना चाहिए, अपने को आकर्षित करना चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों भगवान ये मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर का प्रांगण है, मंदिर से ही मैंने शुरू किया था और मंदिर से ही मैं देखिए ये पूरा यहाँ पर मंदिर है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर जाकर के पूरा मंदिर, तो ये मंदिर है कि ये पूजा अर्चना यहाँ पर होती है, भगवान नारायण सब मंगल ये देखिए मंदिर राम गंगा देखिए यहाँ पर भगवान का गुरुदेव महेश्वर प्रसन्न तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें विद्या भरपूर गौरव संसार सारम श्री नाम सदाव जाओ हनुमती कृष्णाय महालक्ष्मी महादेव श्री राम सर्वमंगल मंगली श्री सभा सारी हरि ओम नमो भगवती ओम गणाधिपति सर्व रामायणाय सर्वाबाधा सर्वमंगल मंगली श्री सभा सारी सर्वी ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय कृष्णाय सर्वाबाधा हरि ओम शांति शांति मंगलम गौरम ओम रामायणाय पितायावरी सर्वाबाधा मंगलानंदता। इस प्रकार दोस्तों भगवान राम भगवान नमः शिवाय ये हनुमान जी हैं, तमाम प्रकार के भगवान देवताओं का पूजन हो रहा है और ये माताएँ बहनें हमारी पूजा कर रही हैं, भगवान का समर्पण कर रही हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे जीवन में भगवान माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी को मिला, हमारा जीवन अच्छा रहे, सबके मंगल वर्ष की कामना करता है।
तो इस प्रकार दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है, सबके मंगल और देखिए अभी भी पुष्प जो है यहाँ पर मालाएँ हैं, तरह तरह के फूल हैं और गुलदस्ते हैं, उनकी उनकी वह उनको लोग बेच रहे हैं, श्रद्धालु लोग जो हैं खरीद रहे हैं अनेक प्रकार के। इस प्रकार दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है, सबके मंगल भव की कामना के साथ आज धन्वंतरी धनतेरस के पुण्य पर्व पर इस प्रकाश पुंज के सुहावनी अवसर पर और मंगल दीपों के साथ सबके सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है, सबके मंगल भोग की कामना है, सबका जीवन खुश रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद और सभी पर बना रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन्वंतरी देवी का आशीर्वाद सबके जीवन पर रहे और सबका जीवन प्रसन्न रहे, खुश रहे। आनंद लेखनी ब्लॉक में अधिक से अधिक लोगों का हार्दिक स्वागत है, सबके मंगल और शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों ये बाजार का जो चहल पहल थी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से सबको शेयर की, अधिक से अधिक लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएँ। और इस प्रकार दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए और दीपावली के शुभ अवसर पर सबके मंगल भक्ति कामना करता हूँ, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सबका जीवन अच्छा रहे। इसी प्रकार हम हर साल इस पवित्र दीपावली के पुण्य पर्व को मनाते रहें, अपने अंतःकरण से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करें और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आए। कहाँ जाइएगा? मेहनत करनी पड़ी होगा।